आज से लाखों साल पहले हमारी धरती पर कुछ ऐसे जानवर मौजूद थे जो इंसानों का नामो निशान कुछ ही पल में मिटा सकते थे। ये जानवर इतने खतरनाक और खूंखार थे कि इनके सामने शायद ही कोई जिंदा रह पाता। इंसानों द्वारा बनाई गई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स इनके सामने छोटी नजर आती हैं, लेकिन धीरे धीरे इन सभी जानवरों का नामो निशान मिट गया। अगर वर्तमान में देखा जाए तो धरती का सबसे बड़ा क्रिएचर ब्लू व्हेल है, जिसकी लंबाई करीब 30 मीटर और वजन तकरीबन 200 टन से भी ज़्यादा है। मगर सबसे डरावनी बात तो यह है कि ये जानवर इस दुनिया से धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। साइंटिस्टों के रिसर्च के अकॉर्डिंग आज धरती पर सिर्फ तकरीबन 20,000 व्हेल ही जिंदा हैं, जिनमें से कुछ तो अपनी आखिरी पड़ाव पर हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे जीवों के बारे में जो आज इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिज्ञान में। नंबर 5, डंकली ऑस्टियस। ये एक मछली थी जिसका वजन 3600 किलो और इसकी लंबाई कम से कम 32 फीट से भी लंबी थी। ये इस धरती की पहली सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक क्रिएचर में से एक थी। इसे पहली बार 1867 में डिस्कवर किया गया। रिसर्च के दौरान पता चला कि यह आज से 382 मिलियन साल पहले इस धरती पर रहा करती थी। ये क्रिएचर पानी में रहने वाली मछली या फिर अपनी तरह की मछलियों का शिकार करती थी और इनका सिर एक आर्मर की तरह था। काफ़ी रिसर्च के दौरान पता चला कि ये मछलियाँ एनवायरमेंटल चेंज की वजह से इस धरती से विलुप्त हो गई। नंबर 4, मैगानियोरा। ये क्रिएचर ड्रैगन फ्लाइज और डैमसेल फ्लाइज की तरह दिखती थी, जिसका साइज 3 फीट तक होता था। ये ज़्यादातर नदियों और तालाबों के पास रहती थी। इसे पहली बार 1880 में फ्रांस के कोल माइनिंग के दौरान डिस्कवर किया गया और ठीक 5 साल बाद इसे मैगानियोरा का नाम दिया। जब इसके फॉसिल पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये आज से 250 मिलियन साल पहले ही विलुप्त हो गए थे। नंबर 3, स्पाइनोसॉरस। ये जानवर डायनासोर के प्रजाति के थे जो 20 से 50 फीट तक लंबे और इनका वजन तकरीबन 20 टन जितना होता था। ये जानवर आज से 99 मिलियन साल पहले इस धरती पर पाए जाते थे। उस समय इन स्पाइनोसॉरस की तादाद काफ़ी तेजी से बढ़ रही थी। ये जानवर जमीन पर चलने के साथ साथ पानी में तैर तक सकते थे, जिस कारण ये जमीन में रहने वाले जानवरों का शिकार तो करते ही थे, उसके साथ साथ पानी में रहने वाले मछलियों का भी शिकार करते थे। 1912 में इस जानवर का फॉसिल सबसे पहले इजिप्ट में डिस्कवर किया गया तो पता चला कि इस फॉसिल का सिर 6 फीट तक लंबी थी और रिसर्च के दौरान पता चला कि इस फॉसिल की हड्डियां जगह जगह से टूटी हुई थी, जिससे ये साबित होता है कि ये जानवर बाकी जानवरों के सबसे बड़े दुश्मन रहे होंगे। नंबर 2, आर्क्टोडस। ये जानवर भालुओं की तरह दिखता है, जिसके फॉसिल को पहली बार 1878 में कैलिफोर्निया के ओटर क्रीक केव से डिस्कवर किया गया। इस फॉसिल का साइज तकरीबन 11 फुट से भी बड़ा था। इस फॉसिल पर रिसर्च के दौरान पता चला कि ये जानवर 13,000 साल पहले ही इस धरती से विलुप्त हो गए थे। इन भालुओं का साइज 11 फुट और इनका वजन 1200 किलो तक होता था। ये भालू वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के पार्ट में रहते थे। ये अपने खाने के लिए हिरन, कैमिलेट्स और टोपेंड्स जैसे जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन खाने की कमी के कारण इन भालुओं की तादाद कम होती रही और ये जानवर भी धरती पर से विलुप्त हो गए। नंबर 1, स्पाइलोडॉन। इसे पहली बार 1880 में ब्राज़ील से डिस्कवर किया गया था और इसके फॉसिल्स पर रिसर्च करने पर पता चला कि ये आज से हजारों साल पहले धरती पर एग्जिस्ट करते थे। इस फॉसिल का साइज 6 फीट तक लंबा था और इस क्रिएचर का वेट करीब 450 किलो तक था। स्पाइलोडॉन के दांतों का साइज काफ़ी बड़ा था, मगर एनवायरमेंटल चेंज के कारण ये जानवर भी इस धरती से विलुप्त हो गए। इन सभी जानवरों का विलुप्त होना इनके फॉसिल से अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन इनके साथ असल में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।